14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खुलनी चाहिए उनके खिलाफ। क्यों नहीं खोल रहे, मेरे समझ से परे है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपने गिरफ्तारी के ऊपर स्टे ले रखा है। वो हाई कोर्ट में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट जल्द सुनवाई करके और उस स्टे को हटाए जिससे वो जेल के सलाखों के पीछे हों। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि हम किस तरीके के लोगों से यहाँ पर शासन करना चाहते हैं। आज बिजली पानी त्राईमाम मचा हुआ है। नीट के पेपर आउट हो गए, उसके लिए बच्चे रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। इन्हीं के अलायंस के जो बिहार की सरकार चल रही है, वहाँ पर उनका उपमुख्यमंत्री कह रहा है सीबीआई को जांच देती, दो एफआईआरें सीबीआई को देती तो फिर बच क्या गया। जब आप परीक्षा को निरस्त मान रहे हो, गड़बड़ी मान रहे हो, और गड़बड़ी मान रहे हो तभी सीबीआई को जांच दी है, तो फिर आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में पूरे राजस्थान और पूरे देश में युवा आक्रोशित है। यहाँ पर राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार ने 6 महीने में कोई काम नहीं किया, केवल भ्रमण करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। एक देले का काम उन्होंने किया नहीं। लोग बिजली पानी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, रात को 2-2 घंटे बिजली आती है, लोग परेशान हैं, पानी के लिए कतारें लगती हैं, कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं पा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, रोजाना हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सैन स्नेचिंग की घटनाएं हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। जब मुख्यमंत्री को कहें तो कहते हैं कि भाई सीएस के पास जाओ, ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। तो ऐसे में हम सब लोग लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन के लिए निकले हैं। मेरे साथ आदरणीय टीकाराम जूली साहब नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कोटा के अंदर आज कार्यक्रम कर रहे हैं, एक इनको चेतावनी दे रहे हैं, और राजस्थान की विधानसभा में 3 जुलाई से आएगी तब इनको घेर के रखेंगे कि आप ट्रस्टी हो, मालिक नहीं हो, मनमर्जी नहीं चलेगी, जनता के जो मुद्दे हैं उनके समाधान की आप बात कीजिए, ये अनर्गल बयानबाजी और बकवास बंद कीजिए। देखिए, पांचों जो सीटें हैं वो इंडिया अलायंस की है, 5 सीटें, तो मैं समझता हूं कि हम 5 सीटें जीतेंगे। हमने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कल एक कमेटियां बना दी हैं। कांग्रेस के संगठन को वहां पर ब्लॉक, बूथ, मंडल लेवल उसके ऊपर मजबूत करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे जो हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं, और इस बीजेपी की सरकार राजस्थान की और एनडीए की सरकार दिल्ली की जो गलत नीतियाँ हैं उनको लोगों को बीच में लेकर के जाएंगे, और हमारी जो अच्छी योजनाएं थी कांग्रेस की सरकार के समय उनको जो ये बंद कर रहे हैं, चाहे चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलें हों, उनका हम लोग विरोध करेंगे। थैंक यू सर। देखिए, सारे लोग मिले हुए हैं इसलिए इसको ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कितने दिन गुजरने के बाद में भी पेपर अभी निरस्त नहीं किया गया है। हालत ये है कि आप चेयरमैन को बदल रहे हैं, उन चेयरमैन को लगाए अब जिन पे पहले व्यापम के घोटाले के आरोप लग चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम जो घोटाला हुआ आप सब लोग जानते हैं, आज वो एनटीए के चेयरमैन बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ नीट जो युवा जो साथी हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड इन लोगों ने किया है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो घड़ियालू आंसू ये जो बहाते हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। उनको कोई मायने नहीं है, कोई उनको जो है उनको कोई सीरियस नहीं लेता है, रोजाना बयान बदलते हैं। मैं तो कहता हूँ राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बच्चों की नींव का काम करती है, उसके मंत्री इस प्रकार के हैं कि जो रोज़ाना इस प्रकार के बयान देते हैं, कभी धार्मिक, कभी सामाजिक, कभी समाजों को लेके, वो गलत है। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ शिक्षा की बजाय दूसरे काम पर लगाना चाहिए। जयपुर से कोटा जाते थे, किस तरीके का दौरा है कोटा में?
देखिए आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर बिजली पानी की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इतनी भयंकर गर्मी है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लाइट जितनी कट रही है, ड्रिपिंग है, ऐसा तो कभी इतिहास में नहीं हुआ जैसी हालत आज हो गई है। न पानी की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के तो आप ये समझ लीजिए गरीबों को पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। अपराधी, माफिया सब सड़कों पे बाहर घूम रहे हैं और ये हालात आज इस सरकार के, इसके विरोध में कोटा के अंदर बड़ा धरना है जो हम आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तैयारी पूरी है, अध्यक्ष जी ने पूरी तैयारी की है और सब कांग्रेस के लोग मिलकर लड़ेंगे और 100% जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। पाँचों के पाँचों आएंगे हमारी, अकेले चुनाव लड़ेगी पाँचों सीटों पर, ये तो आला कमान तय करेगा। पाँचों पे हम लड़ेंगे नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन लड़ेगा।